हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय इनको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉर्मल जानकारी है तो ये वीडियो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें देखते रहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा समुच्चय पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है सेट यानी कि ग्रुप होता है, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको और आपको डिटेल से बता देता हूँ। पूर्ण संख्याएं जिनको हम होल नंबर बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है, इनफिनाइट तक होती हैं। यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये हमारे पास होल नंबर बन जाता है। ठीक है, होल नंबर बन जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि ए नंबर में कुछ माइनस में संख्याएं हैं, कुछ प्लस में संख्याएं हैं और जीरो हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। मैंने पहले बता दिया कि पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3, 4, 5 होती हैं, तो इस तरीके बी भी नहीं होगा और सी नंबर सही है इसका, ठीक है, और डी भी नहीं होगा। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, इनको हमें पढ़ना है और इसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है, यानी कि कौन सी बात यहाँ पर सही है। जैसे कि पहला है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूर्णांक जो होता है वो हमारे पास संख्या रेखा में जितने भी नंबर्स दिखते हैं वो हमारे पास पूर्णांक होते हैं, यानी कि 0 इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये जो होते हैं प्लस वाले 3, 4, 5 इस तरीके से, और इधर के जो माइनस वाले होते हैं -1, -2, -3 और -4 इस तरीके से, ठीक है, ये सारे सारे क्या है, पूर्णांक हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें से क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यानी कि हम इनको परिमेय संख्या के रूप में हम हर एक को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको बदल सकते हैं। जैसे इसको भी है, हम 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं, इसके भी बटे में 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम बटे में 1 लगा सकते हैं, और इसमें भी हम लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, और इसमें भी हम लगा सकते हैं, इस तरीके हम सब में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 0/1 लिखा है। ठीक है, हमारे पास जो परिमेय संख्या की कंडीशन होती है उसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि पी 0 हो सकता है, इसका मतलब पी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर पी 0 है जबकि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो यानी कि ये वाला जो कथन है वो सही है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये वाला कथन पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट बी नंबर कह रहा है इसका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने अभी भी बताया कि जो संख्या रेखा में नंबर लिखे होते हैं ना उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है कि जो डिवाइड में लिखी होती है, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी होती है। तो यहां पर अगर मैं मान लो 3/2 लिख देता हूं तो ये हमारे पास क्या पूर्णांक है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला कथन गलत है। ठीक है, ये वाला कथन रॉन्ग है कि यानी प्रत्येक संख्या नहीं हो सकती, कोई कोई हो सकती है, ठीक है, प्रत्येक नहीं हो सकती है। जैसे अगर 3 को ले लेते हैं तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं क्योंकि 3/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन
थ्री बाई टू अगर लिख दें, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम परिमेय संख्या तो होती है लेकिन वो पूर्णांक नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से प्रत्येक वर्ड लगा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। अगर कोई परिमेय संख्या बोलता तो सही हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ड को ध्यान देंगे, ठीक है, प्रत्येक नहीं होती है, कोई कोई होती है। इसके बाद सी नंबर देख लेते हैं। एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जब आप लोग इसकी डिफिनेशन पढ़े होंगे तो देखा होगा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के ही बनी होती हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर के यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव से लेकर के ये सारी तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक हो जाएंगे। लेकिन क्या जीरो होगी प्राकृतिक संख्या? तो जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जीरो को छोड़ करके बाकी सारी प्राकृतिक होती हैं लेकिन जीरो नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक गलत है, प्रत्येक नहीं होती है यानी कि जीरो नहीं होती है, जो कि पूर्ण संख्या में आती है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास रॉन्ग है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गलत मत लेना, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने फ्रेम किए हुए हैं, तो इनमें से मैं तुमको जो कॉन्सेप्ट है या वो इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कहीं कहीं एक से दो ऑप्शन सही हो, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, ये मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इस तरीके से किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे मेरे द्वारा फ्रेम किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। तो इनके चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। कोई नंबर जो होता है उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, यानी कि परिमेय के फॉर्म में ना लिख सकें, तो वो हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देख लेते हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं को अभी मैंने बताया था कि उनको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं उनको भी हम लिख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, दोनों से मिलकर के बनी होती है। वास्तविक संख्या किससे, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनी होती है, परिमेय भी होती है और इसमें क्या होती है, अपरिमेय भी होती है। तो इसका मतलब जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अंडर रूट बना हुआ है और अंडर रूट के बाहर साइड में एक छोटा सा फोर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो फोर होता है, वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है पावर में वन बाय टू, ठीक है। और अगर अंडर रूट बना हो और उसके पहले यहाँ पर थ्री लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा पावर में वन बाय थ्री, ठीक है। अगर अंडर रूट लगा है और यहाँ पर फोर लिखा है तो इसका मतलब होता है पावर में वन बाय फोर। जैसे यहाँ पर मान लो एक्स लिख दिया तो यहाँ पर एक्स की पावर वन बाय टू, यहाँ पर एक्स लिख दिया तो यहाँ पर एक्स की पावर वन बाय थ्री, अगर यहाँ पे एक्स लिख दिया तो यहाँ पर एक्स की पावर वन बाय फोर, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पे इक्यासी लिखा हुआ है तो इक्यासी की पावर वन बाय फोर ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी मैंने बताया कि जहां पर ये अंडर रूट और फोर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है पावर में एक बटे चार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्यासी, पहले तो ये लिखा है इक्यासी पावर माइनस टू, अब इसकी पावर में हमें क्या करना है कि एक बटे फोर लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जब पावर के साथ में पावर और लगी हो तो पावर का पावर के साथ में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर इक्यासी और इसको हम लिख देंगे माइनस टू और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई वन बाई फोर, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पर माइनस लिखा रहेगा और टू से फोर को कट करेंगे तो यहाँ पर वन बाय टू मिलेगा, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पर वन बाय टू मिल जाएगा, टू वन जे टू, टू टू जे फोर, तो यहाँ पर टू मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर में माइनस वन बाय टू लगा है, ठीक है। तो माइनस की वजह से ये क्या होगा, वन अपॉन इक्यासी की पावर कितना हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा,
क्योंकि माइनस लगा हुआ था, और 1/2 का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो सब लोगों को पता होगा कि अंडर रूट 81 का मान कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यही चीज था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 1/9। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन सही है, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 81 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 81 की पावर 0.09। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन से कैलकुलेशन वाला है, तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर कोई ना कोई मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले से सॉल्व कर लिया है थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पावर को ऐड कर दिया, ऐड करने से इसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.25 मिलेगा। ठीक है, 0.25 करेंगे। ठीक है, 0.25 को अगर एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 25/100 = 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 1/4 को। ठीक है, अब यहाँ यानी कि 81 होता है उसको हम 3^4 लिख सकते हैं। अब 3^4 में पावर और 1/4 है, तो अब पावर का पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर क्या है, 3। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, यहाँ पर हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अंडर रूट लगा हो उसके पहले 5, 4, 3 कुछ भी लिखा होता है तो वो डिवाइड में होता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको हटाऊंगा तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये 1/5। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। अब क्या करूंगा कि अब इस 4 को भी हटाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा 3² और इसकी पावर में 1/4। ये मैंने इसका लिखा और इसके बाद ये बाहर और लगा देंगे एक बार। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पहले से पता है कि मल्टीप्लाई जब पावर की पावर लगी होती है तो उसमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां से यहां तक आप लोग देख सकते हैं कि सारा मल्टीप्लाई में है। तो ये 3^2 × 1/4 × 1/5। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/5 × 2 = 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 3^1/10। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 3^1/10, इसको आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं, 3^1/10। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहाँ पर बी और सी ऑप्शन को देखो। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या है कि दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि इसमें देखो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3^-10 हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर इसको मानो कि 3^-10 लिखा है तो इसको हम 1/3^10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम थे और यहाँ पर इसको अगर और लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3^10 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा माइनस डिफरेंस है जिसको भी हमें समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अंडर रूट 3 का प्रसार है, प्रसार का मतलब वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि इसको जब हम इसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या है। तो देखो, वैसे तो अंडर रूट 3 का मान हम लोग याद करते हैं कि अंडर रूट 3 = कितना होता है, 1.732। ठीक है, इतना हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ती है तो इतना हम लोग याद करते हैं। लेकिन एक्चुअल तौर पर देखा जाए तो अंडर रूट 3 जो होता है ये एक अपरिमेय संख्या होती है और इसके आगे और इसकी वैल्यू होती है जो कि खत्म होने वाली नहीं है, बहुत सारी होती है, खत्म नहीं होती है। लेकिन हम लोग डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक ही लेंगे तो इतना ही हम लोग याद कर लेते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है। तो बट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़े अलग है। ए नंबर पे लिखा है 1.732 और 0.5 और आगे छोड़ दिया, तो इसका मतलब प्रसार की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अभी और होगा। तो इसलिए परफेक्ट नहीं है, इतना हो सकता है, लगभग हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि एक निश्चित दशमलव। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अंडर रूट 3 होता है ये हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कभी भी निश्चित दशमलव में नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब यहां पर कह रहा है अशांत और
अनावर्ती, ठीक है, अशांत और अनावर्ती। अशांत का मतलब वो दशमलव जो कभी शांत ना हो, यानी कि खत्म ना हो, ये कंटिन्यू पे चलते रहते हैं। और उसके बाद अनावर्ती यानी कोई रिपीट भी नहीं होता है, अनावर्ती यानी कि रिपीट नहीं होता है, ठीक है, तो वो चीज है, ठीक है। तो यही हमारे पास अपरमेय संख्या की डिफिनेशन होती है। अपरमेय संख्या की डिफिनेशन भी यही होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूप अशांत और अनावर्ती हो वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही है, और ये आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक परिमेय संख्या है, यानी कि जो परिमेय संख्या है, मान लो कोई हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, मान लो 3/5 हमने ले लिया, ठीक है, 3/5 ले, तो क्या 3/5 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। एक पूर्णांक है तो पूर्णांक भी नहीं है। अब उसके बाद लास्ट वाला एक देख लेते हैं पहले, तो एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, लेकिन सारी प्राकृतिक संख्याएं ये नंबर्स में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, पहले कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या को क्या प्राकृतिक संख्या में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कुछ है जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं बट सारी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ संख्याएं हैं जिनको हम पूर्ण संख्या बना सकते हैं, पूर्णांक बना सकते हैं, वो लेकिन सारी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम इसको नहीं कर सकते, अब जैसे बोल दे 3 है, तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, हम इसको प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, तो ये परिमेय भी है और इन नंबर्स में भी आएगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक हर एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, जैसे कि मैंने 3/5 ले लिया, और भी इसी तरीके से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है, ठीक है, यानी जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि एक वास्तविक संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यही दोनों से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दो परिमेय संख्याओं के बीच होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच होती है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई वास्तविक संख्या नहीं, केवल एक परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्याएं, केवल एक परिमेय तथा कोई अपरिमेय नहीं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, कोई वास्तविक संख्या नहीं है, तो देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर कोई संख्या निकालेंगे, कोई भी निकालेंगे, तो वास्तविक संख्या तो होगी, ठीक है, तो इसका मतलब पहला तो गलत है। केवल एक परिमेय संख्या, तो ये भी गलत है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो एक तो गलत है, तो इसका मतलब यहाँ पर सी है, ठीक है, सी नंबर सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। डी नंबर भी देख सकते हो, जो कि क्या है, गलत ही है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय नहीं, तो ये भी गलत है, तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका सही है वो सी नंबर सही है। अगला देख लेते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं होता है, तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की बात कर रहा है, यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि शांत तो होता है, अशांत भी हो सकता है। जैसे 1/3 को हम डिवाइड करना चालू करें तो ये कितना आएगा, 0.3333 ऐसा आता रहेगा, यानी कि ये शांत नहीं होगा, अशांत, जबकि ये क्या है, हमारे पास परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये अशांत हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है अशांत और आवर्ती, तो बिल्कुल सही है, अशांत है और आवर्ती ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अशांत यानी 0 पॉइंट, और उसके बाद ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा, यानी कि अशांत है, यानी शांत नहीं हो रहा है, और आवर्ती तो है यहाँ पर 3333 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है। यहाँ पर ये देख रहे हैं डी नंबर, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो होता है ये हमारे पास अपरिमेय में होता है, और पहले बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों अपोजिट होती हैं, कि यानी कि जो संख्या परिमेय है वो परिमेय नहीं हो सकती और जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हमारे पास डी है, ठीक है। तो यानी कि दशमलव जो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार ये सारे हो सकते हैं, शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, अशांत और आवर्ती भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, दो अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहा है, इसमें चार ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। पहला कह रहा है कि हमेशा परिमेय होता है, तो हमेशा परिमेय तो नहीं होता है, कभी कभी अपरिमेय भी होता है, जैसे मान लो √3, ये क्या है, हमारे पास ये एक अपरिमेय संख्या है, अगर हम फिर से इसमें अपरिमेय एक √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारे पास ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, तो
तो हमेशा परिमेय नहीं होता है, तो इसका मतलब परिमेय होता है, ठीक है, कभी परिमेय होता है और कभी क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे मान लो अंडर रूट मैंने 3 लिखा, अंडर रूट 7 लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 20 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास अपरिमेय आ रहा है और ये क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। तो इसका मतलब जो है दो अपरिमेय संख्याओं का, यहाँ पर मैंने दोनों अपरिमेय संख्या पहली बार मल्टीप्लाई कराया तो एक परिमेय संख्या मिली, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या मिली। तो इसका मतलब हो गया कि कभी परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, अंडर रूट 3 का प्रसार है। ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम 7 के तरीके है, वहां पर अंडर रूट 3 था और यहाँ पर अंडर रूट 2 है, ठीक है। सेम वैसे ही है कि अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या थी, अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या थी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ये हमारे पास अशांत और अनावर्ती होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि अशांत होती है और अनावर्ती होती है। दशमलव रूप उसका कैसा होता है, अशांत और अनावर्ती। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले 2.717 और ऊपर बाहर का साइन लगा है, इसका मतलब है कि ये 7777 चल रहा है, ठीक है, 7777 चल रहा है कंटिन्यू। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये दशमलव रूप में तो है और अशांत है, लेकिन क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है, यानी 7777 हो रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो परिमेय है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो स्टॉप हो गया, ठीक, तो ये तो हमारे पास परिमेय संख्या ही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 717 और फिर से 717 717, तो ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये इतना नंबर हमारे पास रिपीट कर रहा है। हम यहाँ पर इसको बार लगा करके भी लिख सकते हैं, यानी 2.717 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जितने भी बार वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये सारी सारी हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी परिमेय थी, ये भी परिमेय थी, ये भी परिमेय थी, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि अशांत है और उसके साथ साथ में तुम्हारे पास अनावर्ती भी है, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। यहाँ पर बी नंबर को देखो, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 196, इसकी अगर वैल्यू हम निकालें तो हमारे पास 14 मिल जाएगी, ठीक है। और अब हम इसको देख सकते हैं कि जो 14 होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है, और बाकी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को क्या हर एक परिमेय संख्या को पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे ले चुके हैं और उसका आंसर क्या था, पी नंबर था, कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं के ही अंदर आते हैं। जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी सारी किस में होती हैं, वास्तविक संख्याओं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लो। और इसके पहले मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखो कि ये जो पहले तीन ऑप्शन है, ठीक है, ये पहले तीन ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये पहले तीनों ऑप्शन जितने भी हैं ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, ठीक है, यानी दशमलव प्रसार में इस तरीके से होता है, ठीक है, यानी शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, और अशांत और आवर्ती भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है, ठीक है, और ये जो लास्ट है ये अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन में आएगा, यानी कि उसके दशमलव प्रसार में उसको डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड, या तो शांत या अनावर्ती। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कह रहा है ए नंबर, या तो शांत है, या देखो अगर कोई ऑप्शन शांत में अगर आएगा तो फिर उसमें आवर्ती और अनावर्ती का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है, शांत है तो फिर हो गया, उसमें आवर्ती अनावर्ती वाला कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास नहीं होगा, हमेशा अशांत होगा, तो ये भी गलत है, कभी शांत भी हो सकता है और कभी अशांत भी हो सकता है। या तो शांत होगा या फिर आवर्ती होगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, या तो उसका क्या होगा, शांत हो जाएगा, और अगर अशांत है, अगर अशांत है तो फिर वो कैसा होगा, आवर्ती होगा, यानी रिपीट करना चालू करेगा, ठीक है, रिपीट करना चालू करेगा। नेक्स्ट है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ठीक है, और पहला ऑप्शन कह रहा है ना तो शांत, ना तो शांत यानी कि अशांत, ठीक है, ना आवर्ती यानी कि अनावर्ती।
तो अशांत और अनावर्ती, पहले से मैं बोल चुका हूं कि अशांत और अनावर्ती जितने भी दशमलव संख्या होती हैं वही हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हमारे पास सही हो गया। ठीक है, और ये जितना भी है ये सारा का सारा हमारे पास किसका है, ये परिमेय संख्या के लिए है। ठीक है, ये परिमेय संख्या के लिए है और ये वाला जो है वो हमारे पास किसके लिए है, अपरिमेय संख्या के लिए है। इस तरीके और भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, दो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। यहां पर एक चीज याद रखना कि जब भी अपरिमेय या परिमेय संख्याओं की योग की बात करें ना, तो अगर परिमेय है तो उसका योग परिमेय ही आएगा और अगर अपरिमेय है तो उसका योग अपरिमेय ही आएगा। तो इसका मतलब जो आंसर होगा इसका क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, यानी कि हमेशा अपरिमेय आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 19, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर। तो यहां पर योग में मैंने बता दिया कि परिमेय का परिमेय होता है और अपरिमेय का अपरिमेय होता है, लेकिन अंतर में क्या होगा ये चेंज हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, या तो अपरिमेय होगा या फिर परिमेय होगा। ठीक है, यानी कि कभी अपरिमेय भी आएगा और कभी परिमेय भी आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री कर दिए तो यहाँ पर कितना आया, जीरो आ गया, तो ये क्या है, ये तो परिमेय है। ठीक है, अगर मैं और किस तरीके से लिखूं, मान लो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू कर दिया तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो अपरिमेय आएगा, तो यानी कि कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, यही सेम चीज जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में भी काम करेगी। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो वो भी कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा। यहाँ पर अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो पाई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है। ठीक है, अब पाई की जो वैल्यू होती है वो तुम लोगों ने देखी होगी कि पाई बराबर क्या लिखा होता है, हम लोग याद करते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू पॉइंट में भी याद करते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो ये इस तरीके से ये क्या लिखा है, ये तो अपरिमेय लिखा है। ठीक है, यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, और ये क्या है, ये परिमेय लिखा हुआ है, भाई बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, बटे में कोई नंबर एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो क्या होता है, परिमेय होता है। तो यहां पर ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। तो दोनों चीजें बराबर हैं, तो यहाँ तो परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो रही हैं, जबकि ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और जो अपरिमेय हो सकती है वो परिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो दोनों चीजें यहाँ पर अपोजिट है, तो ये क्या, यहाँ पर ये क्या है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो ये आप याद रखें, जो पाई होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पाई बराबर 22/7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग कब लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक तो एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं होता है, ये लगभग इसके बराबर होता है। यानी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कहीं पर भी हम पाई का यूज करते हैं तो वहां पर हम इसको 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ये 22/7 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तभी ये कथन हमारे पास गलत साबित होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम बराबर भी लगा दें तो इस तरफ तो ये परिमेय आ रहा है और इस तरफ क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, तो ये तो दोनों फिर अपोजिट है, और फिर ये बराबर कैसे हो सकते हैं, ये अपरिमेय और इधर परिमेय, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बराबर का साइन ना होकर के लगभग बराबर का साइन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लगभग बराबर बोलते हैं। ठीक है, इस साइन को देख लो, इसको हम लोग लगभग बराबर, ठीक है, अबाउट, ठीक, तो ये साइन होना चाहिए। ठीक है, हम यूज करेंगे 22/7, लेकिन ये लगभग बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, लगभग बराबर, यानी कि एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग होता है। तो यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 22/7 लेंगे, ठीक है, जो कि उसके लगभग बराबर होता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बराबर करें कि हम पूरा पूरा बराबर हो जाएगा, यानी डिफिनेशन दे दें परिमेय और अपरिमेय, तो हमें इसको थोड़ा सा याद रखना होगा कि पाई जो होता है वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अब अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखोगे तो तुम्हें ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यानी पाए क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करें, और अगर कोई डाउट है
तो उसे भी कमेंट्स करें। तथा ये जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं इनकी मैं पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाकर के आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चनों को एक बार अपने मन से फिर से सॉल्व करना, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसे वीडियो में आकर के दोबारा फिर से देखना, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट्स करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।